Hello everyone, this is Amanpreet Singh and you are watching Teknoistix. Guys, अगर आप electronics background से हैं या फिर electronics की कोई study कर रहे हैं तो आप लोगों ने एक बात जरूर सुनी होगी कि capacitors हैं जो वो DC current को block कर देते हैं और AC current को अपने बीच में से pass होने देते हैं। आपने बहुत सारी books में ये चीज़ पढ़ी होगी, बहुत सारे लोगों के मुँह से सुना होगा, but definitely आपने बहुत सारी videos भी इस topic के ऊपर देखी होंगी। But क्या कभी आपने practically इसको perform करके देखा है? क्या आपने कैपेसिटर को डीसी करंट देखे प्रैक्टिकली देखा है कि वो उसको पास होने दे रहा है या नहीं? अगर वो ब्लॉक कर रहा है तो वो क्यों ब्लॉक कर रहा है? क्या रीजन है कि डीसी को कैपेसिटर्स ब्लॉक करते हैं और एसी को अपने बीच में से पास होने देते हैं? आज इस वीडियो में हम इसी चीज को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे कि क्या एक्चुअल में ऐसा होता है, अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, अगर हो रहा है तो उसका रीजन क्या है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मेरे पास एक 1000 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है जिसको हम चेक करेंगे कि ये डीसी को अलाउ करता है या नहीं करता। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे एक 100 ओम का रेजिस्टर है जिसको हम इस सर्किट में इसके साथ यूज़ करेंगे, और एक मल्टीमीटर है यहाँ पे, और एक मेरे पास यहाँ पे प्रोग्रामेबल पावर सप्लाई है जिसको मैंने यहाँ पर 12 वोल्ट 1 mA पे सेट किया हुआ। आप रीडिंग यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, 12 वोल्ट है और 0.001 एम्पियर यानी कि 1 mA पे इसको सेट किया हुआ है। तो चलिए इस कैपेसिटर को हम कनेक्ट करते हैं ब्रेडबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे मैंने इस कैपेसिटर को लगा लिया और इसके सीरीज़ में ये एक हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं, यहाँ पे लगा दिया है। अब मैं इस पावर सप्लाई से डीसी करंट इस कैपेसिटर को दूंगा और उसके सीरीज़ में ये मल्टीमीटर लगा दूंगा जिसको मैंने डीसी करंट चेक करने के लिए 20 mA के ऊपर सेट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीसी की रेंज में ये सेट है, तो चेक करेंगे कि इसमें से करंट फ्लो होता है या नहीं। तो इसको सीरीज़ में कनेक्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ से पावर कनेक्ट करता हूँ इस रेजिस्टेंस के साथ, और कैपेसिटर की जो आउटपुट आ रही है उसको मैं इस प्रॉप के साथ कनेक्ट कर देता हूँ मल्टीमीटर की। उसके लिए मैं ये क्लिप यूज़ कर लेता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे लगाया और ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। तो इसके अलावा जो मल्टीमीटर की दूसरी प्रॉप है इसको हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना होगा अभी, पावर क्योंकि इसमें से क्रॉस होगी। तो यहाँ पर जो कॉमन टर्मिनल है मेरा इस सप्लाई का, तो इसके साथ मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अभी के लिए सप्लाई ऑफ है इसलिए कोई भी करंट फ्लो नहीं आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कैपेसिटर लगाया हमारा 1000 माइक्रोफेरेड और 100 ओम का रेजिस्टेंस। तो चलिए इस सप्लाई को ऑन करते हैं। ये ऑन कर दिया और ऑन होते ही आप देख सकते हैं मल्टीमीटर के ऊपर करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि डीसी करंट है जो इस कैपेसिटर में से फ्लो हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया, ज़ीरो के आसपास पहुँच गया है, और ये अब अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो हो गया है और एक्चुअल में ज़ीरो पे आ गया है। अब जाके इस कैपेसिटर ने डीसी करंट को ब्लॉक कर दिया, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो करंट फ्लो हुआ था। वो क्यों हुआ था उसको समझने के लिए हम इस सर्किट को एक पेपर के ऊपर बना लेते हैं और वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से ये करंट फ्लो हुआ और एक टाइम पर आके ज़ीरो क्यों हो गया। तो चलिए पेपर के ऊपर सर्किट बना के डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक कैपेसिटर है, और एक हमारे पास डीसी बैटरी है, वोल्टेज सोर्स है। इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस को मैंने बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया और कैपेसिटर को बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इस बैटरी की रेटिंग है 12 वोल्ट। यहाँ पे रेजिस्टेंस हमने जो लगाया है वो है हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली, अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और जो कैपेसिटर है यहाँ पे हमारे पास, ये आप किसी भी वैल्यू का ले सकते हैं। यहाँ पे मैं 100 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर ले लेता हूँ। या फिर हमारे पास 100 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, 12 वोल्ट की बैटरी है और 4 ओम का रेजिस्टेंस है। अब क्या होगा, जैसे ही ये बैटरी इसके साथ कनेक्ट हुई, इस सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू हो गया जैसा हमने अभी देखा,
वो कब तक फ्लो हुआ? जब तक ये कैपेसिटर पूरा चार्ज नहीं हो गया, क्योंकि जब इनिशियली बैटरी कनेक्ट हुई थी तो कैपेसिटर की जो वोल्टेज थी वो ज़ीरो थी। धीरे धीरे कैपेसिटर की वोल्टेज इंक्रीज होना स्टार्ट हुई, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, और लास्ट में ये 12 वोल्ट तक पहुंच जाएगी। क्योंकि हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी है तो कैपेसिटर की जो वोल्टेज है वो 0 से लेके 12 तक पहुंच जाएगी। अब होगा क्या, करंट कितना फ्लो होगा? अगर हम ओम्स लॉ के साथ इसको अगर हम चेक करें, आई इज इक्वल टू वी बाय आर, यानी कि वोल्टेज हमारी 12 है, 12 बाय रेजिस्टेंस 4 ओम, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 एम्पियर, यानी कि 12 वोल्ट की बैटरी के साथ 3 एम्पियर करंट इस सर्किट में फ्लो हुआ जब तक ये कैपेसिटर पूरा चार्ज नहीं हुआ। लेकिन 3 एम्पियर करंट अगर यहाँ पे फ्लो होगा तो कुछ माइक्रो सेकंड्स में ही ये कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे वीडियो में आपको जो मैंने दिखाया, इसको चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगा, बिकॉज जो करंट था वो मैंने बहुत कम कर दिया था। मैंने वहाँ पे सिर्फ 1 मिली एम्पियर करंट यूज़ किया था, ताकि वो आपको मैं चार्जिंग दिखा सकूँ कि कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। अब एक्चुअली वहाँ पे हुआ क्या, जब बैटरी कनेक्ट हुई 1 मिली एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू हुआ और यहाँ पे कैपेसिटर है जो चार्ज होने लग गया। जैसे ही कैपेसिटर की वोल्टेज 12 वोल्ट तक पहुँची तो जो पोटेंशियल डिफरेंस था इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो यहाँ पे भी 12 हो गया और यहाँ पे भी 12 हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ गया, दोनों साइड पोटेंशियल इक्वल है, तो यहाँ से करंट फ्लो होना बंद हो गया। बिकॉज करंट फ्लो होता है जब कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस हो, अगर पोटेंशियल ही दोनों तरफ इक्वल होगा, 12 माइनस 12 जीरो हो गया, तो करंट फ्लो होना बंद हो गया और हमने बोल दिया कि कैपेसिटर ने डीसी को ब्लॉक कर दिया। एक्चुअल में पहले करंट फ्लो हुआ था जब तक कैपेसिटर फुल चार्ज नहीं हुआ, जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होकर बैटरी के इक्वल पहुंच गया हमारा जो करंट फ्लो होना बंद हो गया और कैपेसिटर ने डीसी को ब्लॉक कर दिया। अगर यहाँ पे हम वो बैटरी इंक्रीज कर दें, 12 की जगह अगर हम 24 वोल्ट की बैटरी लगा दें, तो यहाँ से फिर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और जब यहाँ पे 24 वोल्ट पहुँच जाएगा तो फिर से वो ब्लॉक हो जाएगा। अगर हम एसी की बात करें, एसी में भी ऐसा ही होता है। एसी का जो अगर हम ग्राफ चेक करें वो कुछ इस तरीके का होता है, एसी वोल्टेज का, और अगर एसी वोल्टेज है तो एसी करंट भी फ्लो होगा। तो एसी जो करंट होता है हमेशा वोल्टेज को लैग करता है, यानी कि अगर वोल्टेज यहाँ से है तो करंट इसके यहाँ से चलेगा, करंट इस तरीके से फ्लो होगा। यानी कि जब वोल्टेज मैक्सिमम है, वोल्टेज यहाँ पे इस पॉइंट पे मैक्सिमम हुई और करंट यहाँ पे ज़ीरो हो गया, करंट यहाँ पे मैक्सिमम हुआ, वोल्टेज यहाँ पे ज़ीरो हो गई, तब क्या हो रहा है? जब यहाँ पे अगर हम एसी बैटरी लगा दें, एसी सोर्स लगाएं, तो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा वोल्टेज से, जैसे ही मैक्सिमम वोल्टेज पे पहुंचा करंट ज़ीरो हो गया, नहीं करंट फ्लो होना बंद हो गया। जैसे ही वोल्टेज कम होनी शुरू हुई करंट फिर से फ्लो होना लग गया। इसी तरीके से जब वोल्टेज मैक्सिमम चाहे एसी में जाए चाहे डीसी में जाए, तो कैपेसिटर एट लास्ट जाए कि जब फुल चार्ज हो गया तो चार्ज होना बंद हो जाएगा, करंट को ब्लॉक करेगा। डीसी में वोल्टेज चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट रहती है, इसलिए वो परमानेंटली ब्लॉक कर देता है, क्रॉस हो नहीं देता। लेकिन एसी में जब वोल्टेज कम होनी शुरू हो गई तो जो करंट है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, करंट दोबारा से फ्लो होने लग जाता है, और जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज होने लगती है करंट फिर से कम होने लग जाता है। इस तरीके से ये काम करता है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अभी हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस कैपेसिटर के साथ हम एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर लेते हैं। इस साइड से अगर आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे हम प्रैक्टिकल में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करके चेक करते हैं कि जब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो एक्चुअल में ऐसा ही हो रहा है जैसा हमने भी डिस्कस किया, कैपेसिटर फुल चार्ज होने के बाद ही करंट ज़ीरो हुआ या फिर पहले हो जाएगा। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए मैं एक और मल्टीमीटर लेके आया हूँ। इसको हमने करंट पे सेट किया होता, इसको हम कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज पे सेट करके कनेक्ट कर देते हैं। इसकी जो जो प्रॉब्स हैं, एक प्रॉब को मैं कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ टच कर देता हूँ और दूसरी प्रॉब को कैपेसिटर के ग्राउंड के साथ मैंने टच कर दिया है। अब दोबारा से सप्लाई को ऑन करके देखते हैं कि क्या होता है। ये मैंने सप्लाई ऑन करी, अब देख सकते हैं जो कैपेसिटर का करंट वोल्टेज है वो इंक्रीज होने लग गया है, यानी कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। 8, 9,
10, 11 और ये अप्रॉक्सीमेटली 12। जैसे ही कैपेसिटर की वोल्टेज 12 पे पहुंची है तो इसका करंट बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। इसी तरीके से हमने अभी थ्रेटिकली भी देखा कि किस तरीके से काम करता है, और वही कॉन्सेप्ट हमारा प्रैक्टिकली भी प्रूव हो गया कि वो एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहा है। ऐसे अभी मैं यहाँ पे इसको ऑफ करूँगा और ये वोल्टेज डाउन हो गई, करंट फ्लो हुआ और कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाई हुई है। अगर हम डायरेक्ट कैपेसिटर को करंट दे दें तो ये चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज के लिए इसको कोई भी पाथ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाई है ताकि इसको डिस्चार्ज होने के लिए भी पाथ मिले और मैं आपको ये चीज़ शो कर सकूँ। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में लिख के मेरे को ज़रूर बताइएगा। मैं हर हफ्ते ऐसी ही नई नई वीडियोज़ लेके आता रहूँगा, उन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।